आज ईस्टर के मौके पे हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि ये जो हमारी कलीसिया के जो बड़े हैं, कलीसिया के जो बुज़ुर्ग हैं, जिनकी वजह से ये कलीसिया के तमाम जो हैं वो इंतज़ाम होते हैं, वो हमारे साथ हैं। आज वो जीसस इज़ नॉकिंग में हमारे साथ है। हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि यीशु जो है वो हमारे लिए ज़िंदा हुआ, और इस पूरे जो ईस्टर के इंतज़ाम है, प्रोग्राम है, वो इन बड़ों के वसीला से, इस कलीसिया की इंतज़ामिया की वजह से, इस कमेटी की वजह से जो है वो हल होते हैं, और इनकी कोशिश की वजह से जो है वो सारे इंतज़ाम जो है वो पूरे होते हैं। ये चर्च कमेटी है, तो हम इनसे जो है इस ज़िंदा होने के मौके पे बात करते हैं। और पादरी साहब, ये पादरी साहब हैं, इनको आप हर एक वीडियो में देखते हैं, तो ये हमारी चर्च के पादरी साहब हैं और ये पूरी चर्च कमेटी है। तो पादरी साहब, हमारी जीसस इज़ नॉकिंग के लिए आज खसूसी मौके पे कुछ छोटा सा पैगाम। जीसस इज़ नॉकिंग को सलाम मेरी तरफ से, तमाम सुनने वालों को सलाम। मेरा नाम पादरी आसिफ शहजाद है। इस वक्त हम ARP नासर चर्च ईसा नगरी में खड़े हैं। आप देख रहे हैं ARP नासर चर्च की सेशन यहाँ पर मौजूद है, और हम सब लोग अभी कुछ ही देर से पहले एक जुलूस की शक्ल में थे, और एक बहुत बड़ा जुलूस ईसा नगरी से चर्च से शुरू हुआ, और हम दोबारा वापस चर्च में आकर हमने एक छोटी सी इबादत की है, और इसके बाद 10 बजे ईस्टर की बड़ी इबादत का आगाज़ होगा। मेरी तरफ से, तमाम सेशन की तरफ से, सभी लोगों को ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जीसस इज़ नॉकिंग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपके साथ 10 बजे की इबादत में।